हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, जिम्मी को देखिए, हम लोगों ने ये रूम में जिम्मी ने चारों बच्चों को जन्म दिया है और इसके बाद हम लोगों ने जिम्मी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। जो जीने के नीचे जगह थी उसको, उसमें मतलब एक्स्ट्रा सामान रखा था जो काम का नहीं था, वो हटाकर और हम लोगों ने उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये उसके चारों बच्चे हैं, ये देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं। और जिम्मी भी इतना ख्याल रख रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। पहले तो जिम्मी अंदर आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जिम्मी बाहर जाना पसंद नहीं कर रही है। एक मिनट के लिए जिम्मी इन लोगों को छोड़ती नहीं है, थोड़ा जाएगी और तुरंत बाहर से अंदर आ जाएगी, जैसे ही ये बच्चे आवाज़ लगाते हैं वैसे ही। और अभी तक मतलब बहुत मुश्किल से इनको किसी ने हाथ लगाया है। रिचा ने एक बार ही उठाया था जब ये बाहर गई थी, इसके बाद ये किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। ये देखिए गौरी खा रही है और चुनिया उसको खाने नहीं दे रही है। चुनिया कह रही मुझे खाना है पहले। गौरी ने भी अपना, देख सकते हैं चुनिया कितनी तड़प रही है गुस्सा खाने के लिए। और पहले मैंने इसको रखा था तो ये खा नहीं रही थी और अपनी माँ के साथ खाने की कोशिश कर रही है इतना। ये देखिए अब दोनों लड़ाई कर रही हैं। अब चुनिया सोच रही है कि हम दूध पी लें, भूसा नहीं खा पा रहे हैं। तो बहुत तेज है चुनिया भी हमारी, देखिए चुनिया कितनी तेज है। चलिए तो अब हम थोड़ी देर से लगाएंगे गौरी का दूध, जब तक गौरी खा लेती है भूसा तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर से मिलूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चुनिया को छोड़ने आई हुई हूँ और आप देखिए चुनिया कितनी तेज गिर गई है, उसको लग गई होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन चुनिया को सब्र नहीं रहती है कि कोई मुझे छोड़ने आ रहा है फिर पी लूँगी माँ का दूध। वो तो एकदम मतलब इतनी तेज करती है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको खोलना। इसीलिए यहाँ पर मैं सूखा रखती हूँ, गीला मैं होता है जैसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ कि ऐसा नहीं चुनिया नैना संतोषी या फिर गौरी गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर फिसल जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा वीडियो में, मैं वाइपर से साफ़ करती रहती हूँ, सूखा रखती हूँ। लेकिन देखिए चुनिया तब भी गिर गई है और बहुत ज़्यादा लग गई होगी चुनिया को। और चुनिया ने भी दूध पी लिया है तो अब मैं चुनिया को बांध दूंगी, उसको भी दर्द भी हो रहा होगा, क्या कर सकती हूँ लेकिन मैं। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, अब मैं लगा ले रही हूँ गौरी का दूध, वीडियो एंजॉय कीजिए।
रही हूँ मक्खी।